न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर पहला टेस्ट मैच जीत लिया। फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान की 165 रन की पार्टनरशिप भी मैच न बचा सकी। मेजबान टीम 101 रन से फाते। ग्रीन कैप ने रिवायत न बदली। टॉप ऑर्डर फिर नाकाम। दो खिलाड़ियों के अलावा कोई बल्लेबाज न चल सका। 7 खिलाड़ी डबल फिगर भी नहीं देख पाए। दोनों ओपनर सिफर पर आउट। हारिस सुहेल 9, अजहर अली 38, फहीम अशरफ 19 पर चलते बने। कप्तान रिजवान ने शिकस्त की वजह टॉप ऑर्डर के जल्द आउट होने को करार दे दिया। फवाद आलम के लिए माउंट मैग्नोई टेस्ट यादगार बन गया। 11 साल बाद सेंचुरी दागकर अपना इंतखाब दुरुस्त साबित किया, मगर टीम को फतह ना दिलवा पाए। फवाद आलम एशिया से बाहर दूसरी इनिंग्स में सबसे ज्यादा देर तक विकेट पर ठहरने वाले बल्लेबाज भी बन गए। सेंचुरी बनाने पर फवाद आलम के जश्न का मुनफरद अंदाज भी शायकीन को भाग गया। मुल्की दिफा में बड़ी पेशरफ्त। पाक फजाई ने एक और संग मील अबूर कर लिया। चीन के तावन से तैयार 14 डबल सेट JF-17 थंडर तैयारे फजाई बेड़े में शामिल। पाक फजाई ने ब्लॉक 3 की तैयारी में भी आगाज कर दिया। पाक फजाई का ब्लॉक 3 भारत को फ्रांस से मिलने वाले राफेल तैयारों से बहुत बेहतर है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से ख्वाजा आसिफ का एक रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। नैब गिरफ्तार लीगी रहनुमा को लाहौर मुंतकिल करेगी। ख्वाजा आसिफ पर अपनी आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। मीडिया गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ बोले, अभी तक नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की, सिर्फ ये चार्जशीट मिली कि असासे बढ़ गए हैं। लीगी रहनुमा ने अपनी गिरफ्तारी पार्टी तोड़ने की कोशिश करार दे दी। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी मुल्क में जारी नैब गर्दी का ताज़ा शाहकार है। ऐसी कारस्तानियाँ इमरान खान नियाजी की हुकूमत को नहीं बचा सकती। एहसन इकबाल के हुकूमत पर वार। उधर मरियम नवाज आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके अगला लाहे अमल तय करेंगी। वाज़ेह हो चुका कि पीपल्स पार्टी ही PDM के बयानिये से पीछे हट चुकी है। कौम के साथ मजाक ना करें, अब इस्तीफों की रट छोड़ दें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पीपल्स पार्टी में फैसले का इख्तियार आसिफ जरदारी के पास है, बिलावल भुट्टो को नहीं। पीपल्स पार्टी कभी सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देगी। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं। बदउनवान अनासर को सिर्फ लूट मार की दौलत बचाने की फिक्र है। उनको अपने किए का हिसाब देना होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार के मुखालफीन पर लफ्जी वार। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है, शहजादे के वार पर मौलाना और राजकुमारी की सियासत आर पार हो गई। PDM का गैर फितरी इत्तेहाद तबई मौत मर चुका। कोरोना वायरस के बायस मजीद 55 जिंदगियों का चराग गुल। मजमू अम्बा 10,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटे में 2,155 नए केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा कराची में 14% तक रिकॉर्ड। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद का कहना है, कोरोना वैक्सीन मार्च तक आ जाएगी। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाएंगे। वायरस की नई किस्म पर भी नजर है। हुकूमत का बैरूनी एजेंडे पर काम करने वाली NGOs के ख़िलाफ़ फैसला कुन कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने NGO से मुतालिक आला सतह का इजलास आज तलब कर लिया। गैर रजिस्टर्ड NGOs की फंडिंग और रजिस्ट्रेशन की तफसलात पेश की जाएंगी। वज़ीर दाखला शेख रशीद ब्रीफिंग देंगे। किडनी हिल पार्क की ज़मीन का तनासा। कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कमिश्नर कराची पर बरहम। रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट गलत जमा कराने पर क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। बज़ाहिर लगता है सब के सब मिले हुए हैं,
अदालत ने किडनी हिल पार्क में कायम फॉरेन सोसाइटी के घरों को मिसमार करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद और गिर्दोनवाह में जिलजिले के झटके। जिलजिला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जिलजिले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। जिलजिले का मरकज देर के मशरक में 25 किलोमीटर और जेर ज़मीन गहराई में 30 किलोमीटर था। सेनेट का इजलास। कुलसुम परवीन के कोरोना के बायस इंतकाल पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। एजेंडे को कल तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेटर्स ने इजहार ख्याल किया। कुलसुम परवीन ऐवान को गमजदा छोड़ गई। डेप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला सेनेटर कुलसुम परवीन की बात करते हुए आपदीदा हो गए। हमारे शहदा, हमारे हीरो, हमारा फ़ख्र अर्ज़े पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले बहादुर बेटों पर कौम को नाज। 2020 में भी मुख्तलिफ महाजों पर मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करते हुए कई माओं के लखते जिगर कुर्बान हुए, कई गाजी ठहरे, वतन के शहदा। हम पुरसकून हैं क्योंकि हमारी हिफाजत पर बहादुर जवान मामूर हैं। गाजियों और उन जाबाजों के बहादुर माओं को कौम का सलाम। मैं सलूट करता हूं उन माओं को जो ऐसे शेर पैदा करते हैं। हम अपना पाक फौज के साथ है और दिन रात उसी के साथ है। जो अमन एफसी और पाक फौज की वजह से हम अपना पाक फौज के साथ हैं, नशाना बशाना खड़े हैं। हम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। हम अपना जान देने के लिए तैयार हैं। किसी जवान के घर में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका ड्यूटी करने को दिल नहीं करता। आपने तो आग लगा दी उनके घरों में, क्या ड्यूटी करेंगे वो? कौन से बिजनेसमैन का, कौन से गुजराती का बच्चा है आर्मी में? पूरी की पूरी आर्मी है ना जो पंजाबियों और हरियाणा के फौजियों के सर पे सरदारी करती है। वो देश बच रहा है तो बचा लो उनको, इतना बुरा माहौल मत क्रिएट करो। भारतीय फौज के सिख अहलकार ने मोदी सरकार की इंतहा पसंदी आयां कर दी। कहा, भारतीय मीडिया ने सिखों को खालिस्तानी कह कह कर नफरत पैदा की। कौन से बिजनेसमैन और गुजराती का बच्चा भारतीय फौज में है? सिख फौजी के अलम बगावत बुलंद करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रहीम यार खान के थाना तरंडा मोहम्मद पनाह की हदूद में मुलजिम हथकड़ियों समेत फरार। मुलजिम अदालत में पेशी से वापसी पर पुलिस एहलकारों से हाथ छुड़ाकर भाग निकला। गफलत बरतने पर एएसआई समेत 4 एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बहावलपुर में 2 सर वाली बच्ची की पैदाइश। डॉक्टर्स कोशिशों के बावजूद नौजायदा को न बचा सके। चंद सांसें लेने के बाद जिंदगी हार गई। बच्ची की वालिदा की सेहत बेहतर।